सो हे फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको पेट के संबंधित जानकारी मिलेगी, चाहे वो रिजल्ट हो या फिर आपका कट ऑफ हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोसीड करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बात करना चाहेंगे कि पेट के एग्ज़ाम की कट ऑफ की, उसके बाद फाइनली वीडियो के एंड तक हम आपको रिजल्ट का भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि आप रिजल्ट कब डाउनलोड कर सकते हो। आपका आंसर की जारी कल ही हो चुका है, ये तो आपको पता ही होगा, आंसर की आपने मिला लिया होगा। लेकिन यहाँ पर फाइनली आप बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ क्या होगी। तो कट ऑफ देखने के बाद हम आपको तुरंत बताएंगे कि आपके रिजल्ट कब आएगी है, या फिर चेक कर सकते हो, कब चेक कर सकते हो। जनरल की आपकी कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, 60 से 75 होने वाली है। लेकिन वहीं पर आप देख सकते हो अन्य पिछड़ा वर्ग की भी 60 से 75 हो सकती है, यानी कि जनरल और जो आपका अन्य पिछड़ा वर्ग है कोई चेंजेस नहीं होने वाला। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कैटेगरियों की जो कट ऑफ है सेम होने वाली है। वहीं पर अनुसूचित जाति की देख सकते हैं 55 से 60 होने वाली है। साथ में आप गाइज यहाँ पर अनुसूचित देख सकते हैं, अनुसूचित जाति ये आपका 58 से 62 हो सकती है, और EWS का भी 65 से 70 हो सकती है। कहने का मतलब EWS और जो आपकी OBC है, जो जनरल है, तीनों की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो सेम रहने वाली है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो लोक निर्माण विभाग और भूतपूर्व सैनिक जो एक अलग होता है आपका मिलता है आरक्षण, उसका भी है 45 प्लस होता है। तो इस प्रकार आपकी जो टोटल मतलब होने वाली है कट ऑफ, वो कट ऑफ कुछ इस प्रकार होने वाली है दोस्तों। सो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो पेट एग्ज़ाम है आपकी, कि रिजल्ट आप कब से डाउनलोड कर सकते हो, रिजल्ट की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं UPSSC पेट मेरिट लिस्ट भी लिखा गई है, लेकिन मेरिट लिस्ट आप तभी देख सकते हो जब आप रिजल्ट देख सकते हो। तो उत्तर प्रदेश पेट एग्ज़ाम का रिजल्ट चेक करें, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वेट करते हैं थोड़ा सा और आपको दिखाते हैं कि कैसे कहाँ से चेक करना है। सो देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि UPSSC PET परिणाम 2021। तो जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा है, बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, ये आपको पता ही है, जिसमें आपकी 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुई थी, तो ये सब सारे भाई जानते हैं। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट की बात की जा रही है। चलिए हम आपको रिजल्ट की अपडेट दिखाते हैं कि रिजल्ट कैसे देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपने आवेदन किया था, वो सब सारी डिटेल्स है, और साथ में आपकी उत्तर कुंजी आ चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा रिजल्ट संबंधी अपडेट। चलिए ये देखिए, पूरे डिटेल्स आ चुका, हाइलाइट्स पॉइंट, जहाँ पर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दोस्तों, ठीक है। संस्था का नाम आपको पता है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, और परीक्षा का नाम जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा, यानी कि जिसको PET या फिर PET बोलते हैं, राज्य आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान में भी PET चल रहा है आपका। तो PET हमें लगता है हर प्रदेश अब अपना अपना अलग अलग कराएगा। आवेदन आपका 25 मई से और 21 जून तक था आपका, और परीक्षा कती था आपकी 24 अगस्त हुई थी। परीक्षा का मोड यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है ऑनलाइन, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, आपका परीक्षा का मोड दोस्तों ऑफलाइन ही था, आपको भी पता है और हमको भी पता है। अब यहाँ पर जो मैं जिस उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ वो चीज़ आप देख लीजिए। तो आपका जो परिणाम जारी होने की बात है दोस्तों, ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है सितंबर, यानी कि आपका आज 1 सितंबर है, इसी सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है दोस्तों, यानी कि आपके पहले ही सप्ताह में रिजल्ट, आपके 5 से 6 दिन में रिजल्ट जारी हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ, ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ये है, ठीक है। इसके बाद आप जो है, इसके बाद आप दोस्तों आराम से जो है लेखपाल की जो भर्ती है उसकी भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है। तो लेखपाल की भर्ती समथिंग 7,882 पद है, यानी कि लगभग 8,000 के करीब है, तो आप उसमें तभी शामिल हो सकते हैं। ये आपका कट ऑफ था, मैंने जो आपकी ऑलरेडी आपको बता दिया। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी दोस्तों, आपका रिजल्ट इसी सप्ताह में आने का पूरा उम्मीद है। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ पर आपको सही और ऑथेंटिक न्यूज़ मिलती है। और आगे भविष्य में आपके लिए कुछ इस पर स्पेशल वीडियो बनने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होंगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में एक चीज़ आपको बता दें, वीडियो अगर आप नहीं देखना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी सारे पोस्ट करता रहता हूँ, भीमा चित्रा नाम से, आप वहाँ पर ज्वाइन करके वहीं पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना हमारे मोटिवेशन के लिए। जय।